हाय स्टूडेंट, इस वक्त मैं आपके साथ हाजिर हूँ जनरल मैथमेटिक्स के क्लास के साथ। इस वक्त मैंने अपने कोलीग्स जो मैथ के टीचर हैं, मैं खुद भी मैथ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, उनके साथ मैंने डिस्कस करके कुछ मैथ के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं जो इस साल एनुअल पेपर के अंदर आएंगे। उसके अंदर आपका ये होता है कि 8 डेफिनेशन लाजमी आपके पेपर में आती हैं, और चैप्टर नंबर 6 से आपका 15 मार्क्स का पेपर आता है। एक पूरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आता है, मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर, एक लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन, 2 डेफिनेशन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको यानी कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, इंशाल्लाह इसी में से पेपर आ जाएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रियल नंबर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ पी एफ वाई इज इक्वल टू 3y² प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9, देन फाइंड पी इंटू 0। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉल्व इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। उसके बाद डिफाइन मेडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, डिफाइन टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल पे जो टेंजेंट होता है उसको डिफाइन करना है। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ट्राइंगल। आपको पता है कि ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल होता है उनका सम 180 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 पी क्यू आर एंड 15 क्यू आर एस, ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने सॉल्व भी करनी है और इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ 2 or 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड के नाम लिखने हैं। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल लाजमी लिखनी है। याद रहे, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं, अगर किसी डेफिनेशन के साथ डायग्राम बन रही है तो डायग्राम लाजमी बनाएं, अगर किसी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल बनती है तो एग्जांपल लाजमी दें। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंप्लीफाई करना है इस रेशियो को। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल एंड ड्रा इट्स डायग्राम। अब ऑब्ट्यूज एंगल आपने डिफाइन करना है और उसकी डायग्राम भी बनानी है। ये तकरीबन 6 साल से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ मीन्ड बाई द सेक्टर ऑफ द सर्कल, कि सेक्टर ऑफ द सर्कल से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एम बी सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, एम ए बी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। आपको 3 साइड की माना अपने ट्राइंगल ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कंपस ETC। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लिनर और नॉन क्लिनर पॉइंट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपने सॉल्व करना है, जस्ट सिंप्लीफाई। आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, डब्ल्यू एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन मैट्रिक्स के अंदर इक्वल करके। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 850 m³, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। याद रहे कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी एक एक्सरसाइज है, उसके अगर आप सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं, और उसकी एग्जांपल लाजमी देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। आपको 3 क्वांटिटीज़ गिवन है, इनका एलसीएम निकालना है। आगे आपको इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 30, 2x-1 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है।
क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन पैरेलल लाइन एंड राइट हीरोज फार्मूला। पैरेलल लाइन क्या होती है वो लिखना है और हीरोज फार्मूला भी लिखना है। 32, द सम ऑफ द टू एंगल इज 100 एंड द सप्लीमेंट्री ऑफ द फर्स्ट एंगल एक्सीड द सेकेंड बाई 40, फाइंड द एंगल। एंगल फाइंड करने हैं बाई गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन एडजेसेंट एंगल वर्टिकल एंगल इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे डिफाइन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पहले क्वेश्चन में भी था, आई थिंक रियल नंबर था पहले में, उसके बाद ये था रेशनल। व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम क्या होता है वो लिखना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट रिमाइंडर थ्योरम? कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी कभार और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल। डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल को डिफाइन करना और इसकी डायग्राम बना लेनी है। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको आपने शो करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नॉन कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइटल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल रिक्वायर टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर कैरीड राउंड द आउटसाइड ऑफ ग्रासी प्लाट 28 मीटर बाई 18 मीटर। एलमोस्ट 4 सालों से आपके पास पेपर में रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ ग्रामर रूल टू सॉल्व सिमल्टेनियसली इक्वेशन। ग्रामर रूल आपका बार बार रिपीट होता है, इक्वेशन चेंज हो जाती है लेकिन ग्रामर रूल का मेथड वही रहता है। 2x + y = 1, दूसरी क्वेश्चन है 5x + 3y = 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ दिस रिलेशन इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपको मैट्रिक्स की ये रिलेशन गिवन हो तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3a - 4b। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास, एस सी एफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। आपको 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, उनको डिवाइड करना है एक दूसरे पर और एच सी एफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है तो आप इजीली निकाल सकते हैं फार्मूला की मदद से। अगर आपको इसमें से कोई सी 2 वैल्यू गिवन हो, तीसरी निकालनी हो, तो एक ही फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। सवाल मतलब कि मेथड वही होगा, सवाल थोड़ा सा चेंज हो सकता है कभी कभार। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालना, पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, उसके अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है जस्ट, और आपने आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक्स की वैल्यू गिवन है और फाइंड करनी है आपने वैल्यू x - 1/x की और x² + 1/x² की। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसर्कल ट्राइंगल। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने प्रूफ ये करना है कि आइसोसर्कल ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हैं। आइसोसर्कल ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली कि 2 साइडें इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के अंदर कहता है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये एक चैप्टर नंबर 10 से लिया गया क्वेश्चन है और 10 की अगर आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सॉल्व करना है m - 13 = m²√m + 7। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिखा दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ व्हेन x + y = 5 and xy = 8। आपको 2 वैल्यूज गिवन, तीसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर। अगर आपको लेंथ गिवन हो, ब्रेथ गिवन हो, हाइट गिवन हो तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ईजीली। क्वेश्चन नंबर 20, आपने जस्ट रेशनलाइज करना है इस गिवन क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर है,
If B is equal to 3 minus 4 minus 3 minus 2, then find the B inverse. आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स निकालना है जस्ट। अच्छा जी, ये तो थे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चे टेंशन में रहते हैं कि एम सी क्यूज का क्या किया जाए, एम सी क्यूज कहाँ से आते हैं। अगर आप डेफिनेशन कर लेते हैं और हर चैप्टर के एक्सरसाइज की सारी एम सी क्यूज को याद कर लेते हैं, तो आपको एक एम सी क्यूज भी गलत नहीं होगी, क्योंकि तमाम एम सी क्यूज आपके एक्सरसाइज से ही आती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और एम सी क्यूज अगर आप परफेक्टली याद कर लेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू।